खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन हो चुका है। समापन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 39 गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। सीएम ने प्रदेश के खिलाड़ियों को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। वहीं अनुराग ठाकुर ने भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। खिलाड़ियों को डिनर के लिए आमंत्रित यहां पर किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन समारोह यहां पर तो मध्य प्रदेश की टीम ने यहां पर 39 गोल्ड मेडल जीते। तो खिलाड़ियों को डिनर के लिए आमंत्रित यहां पर किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन समारोह, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समारोह में शामिल हुए। क्योंकि सब हमारे बेटे बेटियां हैं, हम सब भारत माँ के लाल, उनको कोई तकलीफ ना हो। 8 शहरों में अलग अलग आयोजन हुए। भाई सेल्फी हट जाए यार, मुझे बताते हुए खुशी है। आनंद से संपन्न हुए, निर्विघ्न संपन्न हुए और 25-25 नए रिकॉर्ड खेलो इंडिया गेम्स में इस बार बने। मध्य प्रदेश का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। 8 महीने पहले हम 8वें स्थान पर थे, लेकिन आज 3rd स्थान पर है। महाराष्ट्र को मैं बधाई देता हूँ प्रथम स्थान पर आने के लिए, हरियाणा को बधाई देता हूँ, अपने उस हर खिलाड़ी को बधाई देता हूँ देश के अलग अलग राज्यों से आए जिन्होंने पदक जीते और जिन्होंने खेलों में भाग लिया। 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी अभी यहाँ पदक जीते हैं। मंजिल मैंने बधाई दी ओलंपिक, हाँ मैंने मध्य प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। 5 लाख रुपए के विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे और मैं उनसे चर्चा करूंगा। खेलों के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो हम अलग से देंगे और मेरे साथ ये भांजे भांजी बहन भी करेंगे।